वेलकम एंट्रेंस स्टूडेंट्स, यही मेंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं कुछ शॉर्टकट्स दिखाऊंगा सीक्वेंस एंड सीरीज सब्जेक्ट में। जो आपका टॉपिक मैंने लिया है दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज, मैं आपको शॉर्टकट्स बताऊंगा, लेकिन मैंने आपको बताया है कि हर एक क्वेश्चन में शॉर्टकट नहीं है, लेकिन जहां जहां है और क्या तरीका है उन क्वेश्चन को मैं आज लेना चाहता हूँ। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर वन लिया है, 19th term of non-zero AP is zero. 19th term of non-zero AP is zero. Then its 49th term is to 29th terms are in the ratio of, वो किस रेशो में है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है कि ये ऑप्शन है। देखिए इस क्वेश्चन को मैं किस तरीके से सॉल्व करूंगा, ये बिल्कुल सिंपल है और ये पेपर में आया है। अगर आप लास्ट ईयर का जेई मेन्स का पेपर देखेंगे उसमें ये क्वेश्चन आया है। जैसे क्वेश्चन है 19 टर्म ऑफ नॉन जीरो एपी जीरो, यानी इसका सोल्यूशन सिंपल तरीका है ये, टी 19 होता है ए प्लस 18 डी, यू नो दैट, बिकॉज यू नो टी एन इज ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये एन टर्म होती है एपी की, क्योंकि अब 19 टर्म होगी फिर ए प्लस 19 माइनस वन इंटू डी, 19 माइनस वन जो होता है वही 18 डी होता है, राइट। Now question says 19 term of non-zero AP is zero, यानी ये zero के बराबर है। इसका मतलब है a plus 18 d जो है वो zero के बराबर है, उसका मतलब है a होगा फिर minus 18 d, ये आपके पास एक condition आ गई। अब आपको बताना है कि 49 term और 29 term का ratio क्या है। 49 term यानी t 49 divided by t 29, देखिए t 49 होता है a plus 48 d, right? और T 29 होता है A plus 28D, according to this formula. T n is A plus n minus 1 into D, यानि T 49 is A plus 49 minus 1, 49 minus 1 is 48, and T 29 is A plus 29 minus 1, 29 minus 1 is 28D, right? अब मैं थोड़ा सा इसको simplify करना चाहता हूँ। देखो A जो है मेरा, A I already know that is minus 18D, so आप यहाँ लिख सकते हैं minus 18D plus 48D, और मैं नीचे लिख सकता हूं a की जगह फिर से माइनस 18d प्लस 28d। अब आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए आप 48 में से 18 सब्ट्रैक्ट करके वहां 30 आ जाएगा, यानी 30d आ जाएगा और नीचे आ जाएगा, 28 में से जब आप 18 निकालेंगे वो 10d आ जाएगा, राइट। d और d कैंसिल हो जाएगा, 30 बाय 10 होता है 3:1 रेशो, बिकॉज 3 और 1, सो इसका रेशो होगा तो 49 टर्म और 29 टर्म का जो रेशो है दैट विल बी इक्वल टू 3:1। 3:1 आपका फर्स्ट ऑप्शन है, तो आप फर्स्ट ऑप्शन को टिक करेंगे। देखिए मैंने ये क्वेश्चन आपका किस तरीके से सॉल्व किया, राइट। अब इसी तरह से मैं एक और क्वेश्चन लूंगा, वो हम कैसे सॉल्व करेंगे, दैट विल बी माई नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ आई विल कम टू दिस क्वेश्चन। देखो ये भी बिल्कुल इस तरह से बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि हमें सम ऑफ द सीरीज, हमें इस सीरीज का सम निकालना है और बताना है क्या ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है कि ये ऑप्शन सही है। देखिए एक तरीका है इसका सम करने का, दैट इज अ कॉम्प्लिकेटेड वे, वो एक लेंथी मेथड है जिससे हम एक्चुअली इसका सम निकालते हैं, जो असली तरीका है, लेकिन मैं वो तरीका नहीं लूंगा क्योंकि वो लेंथी है, दैट विल टेक मी नॉट लेस देन 15 मिनट्स। 15 मिनट में वो मुझे सॉल्व हो जाएगा क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है, पहले मुझे एन टर्म निकालनी है, फिर सम निकालना है, फिर ये ऑप्शंस चेक करने हैं। लेकिन मैं क्या काम करूंगा, मैं सिंपल तरीका आपको बताऊंगा, मैं बताऊंगा अगर आपके पास सिर्फ दो ही टर्म्स होते हैं, ये दो टर्म्स हैं, हम सिर्फ ये दो टर्म्स लेते हैं, यानी हम लेंगे 1 upon 1 into 2 into 3 into 4 plus 1 upon 2 into 3 into 4 into 5। देखिए मैंने ये लिया, मैंने सिर्फ दो टर्म्स लिए, बाकी मैं छोड़ दूंगा अप टू एन टर्म्स जो है, मैं सारे टर्म्स छोड़ दूंगा। यानी मैंने क्या काम किया, मैंने एन का वैल्यू लिया 2, यानी एन 2 मीन्स मैंने नंबर ऑफ टर्म्स दो ही लिए से, तो मैं इसको सिंपलीफाई करता हूं, यह आएगा 1 upon 24 plus 1 upon 120, राइट। यह आ जाएगा 5 4s are 20, 20 into 3 is 60, 60 into 2 is 120, 4 3s are 12, 12 2s are 24. अब मैं इनका एलसीएम लेता हूं, आई विल टेक द एलसीएम ऑफ 24 एंड 120। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 24 एंड 120? 24 एंड 120 का या तो आपको जबानी पता होना चाहिए,
अगर जबानी पता नहीं है आप एलसीएम निकाल सकते हैं, वो तरीका है आपके पास 24 × 5 दैट इज सिंपली 120, राइट। ये तो बिल्कुल आसानी है, आपको जबानी भी पता है 120 और 24 का एलसीएम 120 ही होता है, या आपका तरीका है निकालने का वो भी आप निकाल सकते हैं। देखिए 120 को जब मैं 24 से डिवाइड करूंगा मेरे पास 5 आ जाएगा, तो मैं यहां 5 लिखूंगा और यहां 1 आ जाएगा, द रिजल्ट विल बी 6/120। 6/120 इज 1/120, दिस इज 1/20, सो मेरा जो आंसर आ गया दैट इज 1/20, राइट। लेकिन अब मुझे इन में आंसर चूज करना है, या ये सही है, ये सही है, ये सही है कि ये सही है। दीज आर द 4 ऑप्शंस। आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस नाउ आई हैव टू चेक विच ऑप्शन इज द करेक्ट। देखो मैंने ये सॉल्यूशन लिया, इतना ही मैंने सॉल्यूशन किया, मैंने इतना ही किया, मैंने मेरा आंसर आ गया 1/20 अगर मैं सिर्फ दो ही टर्म्स लूंगा। अब मैं एन का वैल्यू 2 इन ऑप्शन में डालता हूं, जो ऑप्शन मुझे 1/20 वैल्यू देगा वही ऑप्शन सही है। लगाइए आप एन का वैल्यू 2, सपोज इसमें पहले वाले में जब एन का वैल्यू 2 लगाएंगे, 2 क्यूब वो बनेगा 8/ यहां 3 है, 3 है, देन यहां पर 2+1 वो 3 बन जाएगा, 2+2 वो 4 बन जाएगा, और 2+3 वो 5 बन जाएगा, राइट। वो बनेगा 4 × 1 = 4, 2 = 8, वो बनेगा 2/45। लेकिन मेरा आंसर 1/20 है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है, राइट। नाउ आई विल कम टू अनदर थिंग। देखिए अब मैं एन का वैल्यू लगाता हूं यही 2, पुट एन इज इक्वल टू 2 इन द सेकेंड ऑप्शन। अब मैं सेकेंड ऑप्शन में डालता हूं, यहां पे मैं डालता हूं, लगाइए एन की जगह 2, दिस इज 8/24, दिस इज 6 डिवाइडेड बाय 6 × 2+2 = 4, 2+3 = 5, 2+4 = 6। देखिए ये बन जाएगा 32, 24 और 8 = 32, 32 − 6 26 डिवाइडेड बाय 6 × 4 × 5 × 6, राइट। वो बनेगा 2 × 3 = 6, 2 × 13 = 13, राइट। वो बन जाएगा 13/something, वो तो आंसर है नहीं, ये तो 1/20 है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही नहीं है। फिर हम आएंगे एक और ऑप्शन पे, दैट इज द थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इज हियर, लगाइए एन की जगह 2 अब इसमें, दिस इज 60+14 डिवाइडेड बाय 4 × 2 × 2+1 × 2+5, राइट। दैट विल बी 74 डिवाइडेड बाय 8 × 3 × 7। नाउ यू कैन कैंसिल इट, 2 से हो जाएगा 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, क्लियर। अब तो नहीं हो जाएगा, 37 ऊपर आ गया, वो प्राइम नंबर है, तो ये भी ये आंसर भी सही नहीं आता है। देखिए अब मैं n का 2 जो है मेरे पास अब लास्ट ऑप्शन में डालता हूं। नाउ लेट अस हैव अ लास्ट ऑप्शन, दिस इज 8+24+22 डिवाइडेड बाय 18 × 2+1 = 3, देन 2+2 = 4, देन 2+3 = 5, दिस विल बी इक्वल टू 30 + 24, 30 और 24 को जब हम ऐड करेंगे दैट विल बी 54/, अब यहां 8 × 3 = 13, दिस इज 54 × 4 × 5, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी 1/20। देखो 1/20 इसके बराबर आ गया, इसका मतलब है दिस डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि मेरा आंसर इस डी ऑप्शन से आ गया। हाँ अगर आप मैंने बाय चांस मैंने अगर आपको रिवर्स में ही दिखाया होता, अगर मैंने पहले इसी में डाला होता तो मेरा आंसर पहले ही आ जाता, बट वो तो चांस है, दैट इज अ चांस प्रोबेबिलिटी। लेकिन अब हम एक एक करके हम टेस्ट भी कर सकते थे और हमारा आंसर 1/20, दैट मीन्स डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। देखो अगर हम ये क्वेश्चन नॉर्मल मेथड से सॉल्व करेंगे, जो आपका नॉर्मल मेथड है, लेकिन नॉर्मल मेथड से इसमें 15 मिनट से काम नहीं लगेगा क्वेश्चन में, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है, 15 मिनट के बाद 10 से 15 मिनट आ जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे ये हमें 20 सेकंड या 1 मिनट में हमारा आंसर सही आ जाएगा, जस्ट इट विल टेक 1 मिनट, जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट द थिंग्स। इसलिए ये जो ऐसे किस्म के क्वेश्चंस हैं, ये जो सम ऑफ द सीरीज टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ आई विल कम टू द थर्ड क्वेश्चन। देखिए इस टाइप का अगर क्वेश्चन है, जैसे इफ टी पी इज 1/Q, टी क्यू इज 1/P, देन फाइंड सम ऑफ एस पी क्यू टर्म्स, एस पी क्यू सम ऑफ पी इंटू क्यू टर्म्स। देखिए सवाल मैं किस तरह से सॉल्व करता हूं, मैं इसमें भी ऐसा ही एक मेथड लूंगा, मैं मानूंगा पी इज 1 एंड क्यू इज 2,
मैंने पी का वैल्यू 1 लिया और क्यू का वैल्यू 2 लिया। जब पी का वैल्यू 1 है, बताइए मुझे, अगर पी का वैल्यू 1 है, 1 देन व्हाट इज टी1? टी1 इज 1/2 बिकॉज क्यू का वैल्यू 2 है, और टी2 जो है दैट इज 1/पी का वैल्यू है 1, दैट इज 1। सो फर्स्ट टर्म है 1/2 और सेकंड टर्म एक्चुअली 1 है, राइट? अब मुझे बताना है सम जो है SPQ का। SPQ means SP है 1 इन S2 का सम, इन सम ऑफ दीज टू टर्म्स, ऐसे में है SPQ। P का वैल्यू लगाना है 1 और Q का वैल्यू लगाना है 2, हो गया 1 × 2 हो गया 2, इन S2 सम ऑफ द टू टर्म्स, सम ऑफ द टू टर्म्स इज T1 प्लस T2, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 प्लस 1, दैट विल बी इक्वल टू 3/2। यानी उसका मतलब है मेरा सम PQ टर्म्स का आ जाएगा 3/2। अब मुझे देखना है कि इनमें मेरा आंसर 3/2 कौन देता है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है, दिस इज ट्वाइस, नाउ द आंसर्स कौन से हमें चेक करने हैं, आंसर्स क्या चेक करने हैं। पहला मैं करूं ट्वाइस, P का वैल्यू 1 और Q का वैल्यू 2, सो 1 × 2 हो गया 2, 2 − 1 हो गया 1, तो आंसर 2 आ जाएगा, लेकिन आंसर 3/2 आना चाहिए। इसका मतलब है फर्स्ट ऑप्शन सही नहीं है। लाइए अब सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन इज ट्वाइस पी इंटू क्यू, पी इंटू क्यू इज पी इज 1, क्यू इज 2, दैट इज 2 प्लस 1, दैट इज 3, 2 इज 6, तो आंसर 6 आना चाहिए, बट आंसर इज 3/2, दैट मीन सेकेंड ऑप्शन भी सही नहीं है। आइए अब थर्ड ऑप्शन पे, पी क्यू, पी इज 1, क्यू इज 2 माइनस 1 अपॉन 2, दैट विल बिकम इक्वल टू 1/2, 1/2 आना चाहिए, बट आंसर इज 3/2, इसका मतलब है ये ऑप्शन भी सही नहीं है। आइए अब डी ऑप्शन पे, यानी पी क्यू प्लस 1/2, वट इज पी इज 1, क्यू इज 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट बिकम्स 3/2। देखिए 3/2 ही आंसर आ गया, सो दिस का मतलब है द ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, मैंने असली प्रोसीजर जो सवाल का है मैंने वो यूज नहीं किया। असली प्रोसीजर तरीका क्या था, वो लॉन्ग मेथड है, वो मैंने इस्तेमाल नहीं किया, मैंने शॉर्टकट इस्तेमाल किया। देखो आपको ये 12th क्लास या 11th क्लास में शॉर्टकट्स एक्चुअली यूज नहीं करने हैं, क्योंकि वहां आपको जरूरी लॉन्ग प्रोसीजर्स यूज करने हैं। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि चूंकि ये एंट्रेंस का सवाल है, आपको सिर्फ राइट आंसर को टिक करना है। राइट आंसर को टिक करने के लिए दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन। इसी तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नाउ आई विल कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये सवाल मैंने लिया, ये एंट्रेंस टाइप का क्वेश्चन है। इफ a1 a2 a3 सो ऑन an, आपके पास बहुत सारे टर्म्स है, n टर्म्स है, बट ऑल आर नॉन जीरो, इनमें कोई जीरो नहीं है, जीरो के अलावा है। टर्म्स ऑफ एन एपी, मगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। देन 1/a1 a2 प्लस 1/a2 a3 प्लस 1/a3 a4 प्लस सो ऑन अप टू 1/an − 1an, इनका सम क्या है, क्या ये है, क्या ये है, क्या ये है, क्या ये है। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को भी एक शॉर्टकट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, आप चूज कर सकते हैं। देखो a1 a2 a3 an आर नॉन जीरो टर्म्स। आप मानिए a1 जो है वो 1 है, सपोज a2 जो है वो 2 के बराबर है, ठीक है, और a3 जो है वो सिर्फ 3 के बराबर है। आप 3 ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, ज्यादा अच्छा है 3 लेना, क्योंकि ताकि हम दो टर्म्स इन्वॉल्व करेंगे। देखिए जैसे आपका ये बताए, ये क्या बनेगा फिर इसके हिसाब से, ये बनेगा 1/a1 की जगह 1, राइट, a2 की जगह 2, और ये बनेगा 1/a2 की जगह 2 और a3 की जगह 3, इतना ही बनेगा। दिस इज 1/2 प्लस 1/6, 6 तो एलसीएम आ जाएगा, यहाँ 3 बनेगा, यहाँ 1 बनेगा, इट विल बिकम 4/6, दैट विल बी इक्वल टू 2 × 2 = 2, 3 = दैट विल बिकम 2/3। देखिए आपका आंसर जो है वो 2/3 बनना चाहिए अगर हम सिर्फ दो ही टर्म्स लेंगे। अब मैं इसमें ऑप्शंस में चेक करता हूं। देखो मेरा फर्स्ट ऑप्शन जो है, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एंड देन द फोर्थ ऑप्शन। देखिए मेरे चार ऑप्शंस हैं, मेरे चार ऑप्शंस हैं। देखिए इन चार ऑप्शंस को मैं किस तरह से मसला हल करूंगा। चार ऑप्शन है मेरे पास, दो मिनट में, एक मिनट में मैं सॉल्व करूंगा क्वेश्चन। आप फर्स्ट ऑप्शन लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन इज a1 an / n − 1। बताइए आप a1 कितना है, a1 तो 1 है, ठीक है, और an इज द लास्ट, लास्ट क्या है 3, सो दिस इज 3 अपॉन
एन इज थ्री, तीन टर्म्स, आपने कितने टर्म्स लिए, सॉरी आपने एन कितने टर्म्स लिए, एन आपने टर्म्स लिए, नंबर ऑफ टर्म्स आपने दो ही लिए, इसलिए एन का वैल्यू टू है, टू माइनस वन दैट विल बिकम थ्री, सो इसका आंसर थ्री आ जाएगा। सो थ्री सही नहीं, हमारा आंसर टू बाई थ्री आना चाहिए। आई एफ बी पर, बी है ये एन माइनस वन अपॉन ए वन एंड ए एन, लगाइए एन कितने टर्म्स आपने लिए, आपने दो लिए, टू माइनस वन हो गया वन, अपॉन ए वन कितना है, ए वन इज वन और ए एन, ए एन इज लास्ट दैट इज थ्री, तो आंसर इज वन बाई थ्री, वन बाई थ्री भी आंसर नहीं, हमारा आंसर टू बाई थ्री आना चाहिए। आइए सी पर, एन माइनस वन अपॉन ए वन प्लस ए टू, नाउ व्हाट इज एन, एन इज थ्री, थ्री माइनस वन इज टू, डिवाइड बाई ए वन प्लस ए टू, ए वन प्लस ए टू इज वन प्लस टू, वन प्लस टू इज थ्री, दैट मीन्स टू बाई थ्री बन गए, और वही तो आपका आंसर है, दैट मीन्स सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। देखिए आप फोर्थ भी चेक कीजिए, फोर्थ इज एन, एन माइनस वन, एन माइनस वन ओवर ए वन माइनस ए एन, एन इज टू माइनस वन अपॉन ए वन, ए वन इज वन एंड ए एन, ए एन इज द लास्ट वन इज थ्री, तो दैट विल बिकम वन बाई माइनस टू विच इज नॉट द करेक्ट आंसर। सो ये भी करेक्ट नहीं है, ये भी करेक्ट नहीं है, ये भी करेक्ट नहीं है, इसलिए दिस आंसर इज द करेक्ट आंसर। देखिए ऐसा क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया और शॉर्टकट से कर लिया, हम डायरेक्टली फोकस आंसर पे करते हैं और इसीलिए हमारा आंसर सही आ जाता है। नाउ लुक, आई विल टेक अनदर एग्जांपल, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ दिस सीरीज इज टू स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन, देखिए इवन नंबरों का स्क्वायर है और आपको बताना है कि इसका जो है सोल्यूशन वो क्या हो जाएगा। देखो एक चीज है, या तो इंसान को ज़बान ही पता होता चाहिए व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द इवन नंबर्स, अगर कुछ ज़बान ही पता है आप एकदम टिक कर सकते हैं, अगर अब नहीं पता है हम फिर से ऐसा ही एक प्रोसीजर यूज करेंगे। लेट अस टेक, लेट एन बी इक्वल टू टू, हम दो लेंगे, दो ही टर्म्स लेंगे, यानी टू स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू फोर प्लस सिक्सटीन दैट बिकम्स ट्वेंटी। देखिए मैंने ट्वेंटी आ गया आंसर, इसका मतलब अगर मैं सिर्फ दो टर्म्स लूंगा मेरा आंसर ट्वेंटी आ जाएगा। अब मैं आंसर्स में एन की जगह टू लगाऊंगा मुझे आसान हो जाएगा, जो ऑप्शन मुझे 20 देगा वही सही ऑप्शन है। हाँ अगर मैं एन का वैल्यू 3 लगाता तब 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर करके मुझे तीनों का सम लेना था और उसके हिसाब से भी मेरा आंसर कुछ और आ जाता, तब अगर मैं एन का वैल्यू 3 इन ऑप्शन में लगा देता वही मेरा सही आंसर था, लेकिन अब 3 लेना थोड़ा बड़ा हो जाएगा जब हम एन 3 लेंगे, इसलिए मैंने चूज किया लेट एन बी इक्वल टू 2 ओनली। देखिए अगर मैं एन की जगह 2 लगाता हूं इसमें, फर्स्ट ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में अगर मैं एन की जगह टू लगाता हूं, लगाइए आप एन की जगह टू फर्स्ट ऑप्शन में, आपको मिलेगा टू इंटू टू प्लस वन इंटू फोर प्लस वन डिवाइडेड बाई थ्री, दैट इज टू इंटू थ्री इंटू फाइव डिवाइडेड बाई थ्री, ये कैंसल दैट बिकम्स 15, यहाँ 20 है इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही नहीं है। आइए आप सेकेंड ऑप्शन में, दिस इज टू इंटू, अब एन की जगह टू, टू इंटू टू, टू प्लस वन फोर प्लस वन डिवाइडेड बाई थ्री, that becomes 4 into 3 into 5 divided by 3, this gets cancelled, that's 20. देखो 20 मुझे B option दे रहा है, इसलिए B option is the right option. और बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, तो एकदम इतना सिंपल क्वेश्चन है, मैंने बाकी इस वक्त चेक नहीं किए, वो जरूरत भी नहीं है क्योंकि मुझे B option ही सही आ गया। हाँ अगर B नहीं होता तब मैं तीसरे पे आ जाता और अगर तीसरा नहीं होता तब फोर्थ हो जाता। देखिए आप इसमें मैं सोल्यूशन कैसे लूंगा, लेट अस कॉल दिस S, सम का नाम S रखते हैं, दिस इज 3 by 4 का होल क्यूब, देखिए दिस इज 3 by 2 का होल क्यूब, थोड़ा मैं इसको एलोबरेट करके लिख रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, 4 टू 8, 8 प्लस 1 इज 9 by 4 का होल क्यूब एंड देन सो ऑन, चलो बाकी टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम एक काम करेंगे, डिनोमिनेटर में ना 4, हम सब में 4 लाएंगे, देखो यहां 4 है यहां भी 4 है हम यहां पर 4 लाएंगे, सो इट विल बी 3 by 4 का होल क्यूब, इट विल बी प्लस 6 by 4 का होल क्यूब एंड दिस विल बी 9 by 4 का होल क्यूब एंड देन सो ऑन, इज इट राइट, बिकॉज 6 by 4 इज अगेन 3 by 2, नाउ s इज इक्वल टू, अब आप 3 by 4 का होल क्यूब कॉमन ले सकते हैं, जब आप इसको कॉमन लेंगे अंदर मिलेगा 1, फिर मिलेगा 2 क्यूब, 1 को हम लिखेंगे 1 क्यूब, ये तो 2 रहेगा बिकॉज जब आप 3 by 4 कॉमन लेंगे वहां 2 रहेगा लेकिन 2 के ऊपर क्यूब है, यहां जब आप 3 by 4 कॉमन लेंगे ये 3 क्यूब बनेगा यहां एंड देन सो ऑन, राइट। नाउ दैट इज s इज इक्वल टू 3 by 4 इज 27 by 64, ये है समेशन ऑफ n क्यूब बिकॉज इट इज द सम ऑफ द फर्स्ट n क्यूब, n नेचुरल नंबर्स, क्यूब ऑफ द n नेचुरल नंबर्स,
But I have to find the sum of only 15 terms. So I will write n is running from 1 to 15. Okay. So it will be equal to 27 by 64 into. Pata hai ab sum of the cubes of the n natural number hota hai n into n plus 1 by 2 ka whole square. Ye hota hai. लेकिन अब आपको n की जगह 15 लगाना है, सो इट विल बी 15 इनटू 15 प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर. दिस विल बी 15 इनटू 16 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर. 2 1 2 8 दैट इज 15 इनटू 8 120 का होल स्क्वायर, राइट? सो इट विल बी 120 का होल स्क्वायर, राइट? अब थोड़ा सा सिंपल, बट व्हाट इज सम एक्चुअली? Sum is 225k. So I will write 225k is equal to iski jagah aap dekhiye 27 by 64 into 120 into 120 because 120 ka whole square. Thoda sa simplification karte hain yahan. Dekhiye iske aap kijiye 4 se 4 se cancellation 30, right? फिर आप और फोर से कीजिए, राइट? फिर आप कीजिए दो से 215, फिर आप और कीजिए दो से तो 215, ओके? सो इट विल बी 225k इज इक्वल टू 27 इनटू 225 बिकॉज 15 इनटू 15 इज 225. ये 225 और 225 कैंसिल हो जाएगा, सो k का वैल्यू 27 आ जाएगा. So the value of k is 27. Now we have to find the value of a. That is this option is the right option. देखिए कैसे ये question आप note कीजिए. देखिए मैंने किस तरीके से इसको solve किया, right? इस तरह से और भी बहुत सारे questions हैं जो next lecture में आपको बताएंगे.